हेलो लिब्रा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने SSS हिंदी टैरो पर। तो आज फ्रेंड्स हम लिब्रा यानी तुला राशि की रीडिंग करेंगे, जो एक लव रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, ये किसी पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए एक साप्ताहिक यानी एक वीकली रीडिंग है। तो इसमें हम देखेंगे कि लिब्रा आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। तो यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ लिब्रा और लिब्रा के पर्सन एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ये कार्ड गिर गए, सॉरी। क्या बात है भाई, कार्ड क्यों गिर रहा है? तो यूनिवर्स जी बताइए कि लिब्रा के पर्सन और लिब्रा एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या आउटकम है। तो लिब्रा आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहने वाला है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है ये कि आप के जो पर्सन हैं आपके लिए फील कर रहे हैं कि ये हमारा एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्शन है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है कि इसको ऐसे ही गवाया जाए, ऐसे ही छोड़ा जाए। आपके पर्सन आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, उन्हें डेट्स पर लेकर जाएं, उन प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बातें करें। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक आप एक सोलमेट उनका उनके साथ सोलमेट रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनसे प्यार मोहब्बत करें। तो ये द लवर्स, वो आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा आपके पर्सन। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले एक बार इसमें अच्छे से डिसीजन लिया जाए कि जो दोनों रिश्तों के बारे में है, जो चाहे वो अगर कोई लस्ट है, कोई लत है, कोई चाहे वो स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है या किसी अट्रैक्शन की है, या कोई भी जो अगर लत है, कोई बुराई है या कोई अच्छाई है, जो भी कुछ है उसको एक डिसीजन के लेकर तभी आगे बढ़ाएं इसको कि आगे जाकर फ्यूचर में जाकर इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों में से हो सकता है किसी एक को दूसरे की तरफ भी थोड़ा सा अट्रैक्शन हो। तो ये आप इसके लिए खुलकर आप बात कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। वो एक डिसीजन इसके लिए चाह रहे हैं कि इसमें एक डिसीजन लिया जाए, खुलकर आमने सामने बात की जाए। तो आपके पर्सन आपसे लिब्रा उम्मीद रखते हैं कि आप एक इसमें डिसीजन लें, इस प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। जो जो भी बात है वो खुलकर हो, साफ स्पष्ट हो। तो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं लिब्रा? आप फील कर रहे हैं कि जो मेरे पर्सन है वो कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, वो जो बोझ है, जो दूरियां हैं, जो या जो जो भी है, वो अकेले ही इसको ढो रहे हैं। वो अगर इसको बांट लेते हैं, जो जो चाहे कोई कोई लत है या कोई मोहब्बत भरी बात है या कोई बुराई है इस रिश्ते में या किसी के प्रति अट्रैक्शन है, तो वो खुलकर सामने आकर इसको इसके बारे में बातें करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बोझ बट जाता है, जो तनाव है, जो
जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उनको अकेले ही इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे ही नहीं खींचते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने फिजिकली भी बीमार हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो अपने जो मेंटली वो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, या कोई और परेशानी है प्यार को लेकर, या कोई गलती हुई है इसमें वो चाह रहे हैं कि इसको बांटा जाए, शेयर किया जाए, एक दूसरे के साथ खुलकर बातें इसमें वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं। तो आप अपने प्यार से क्या चाहते हैं? आप अपने आप चाह रहे हैं कि जो आप कभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कभी इस ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी आप उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, आप के हो सकता है कि आपके पास दो रिश्ते आए हों, तो आप उसमें डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाए या उस रिश्ते को। आप जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करते रहे तो आप दोनों रिश्तों से, दोनों उससे हाथ धो बैठेंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो आप उनके लिए, उनसे चाह रहे हैं कि वो इसके बारे में खुल कर बातें करें, जहाँ भी जिधर भी उनको जाना है इसमें डिसीजन लिया जाए, वो एक तरफा डिसीजन इसमें ले, इसको उलट पुलट ना करें, इसको ऊपर नीचे ना करें, इसमें कभी इधर कभी उधर अपने माइंड को ना करें, अपने माइंड को स्टेबल करें, एक तरफा इसको रिश्ते को करें, और इसको प्यार है जो मोहब्बत है इसमें इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। ऐसा आप उनसे चाहते हैं, अपने प्यार से, अपने पर्सन से, अपने लव से। तो इसका पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम क्या रहने वाला है? ये लिब्रा, इसमें अगर आप चाहें तो एक अच्छी नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। आप अपने प्यार को एक नई दिशा दे सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बैठकर डिसीजन लेकर समझौता करते हैं तो अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो और एक अगर बचपना छोड़कर एक इमैच्योर एनर्जी के साथ इमैच्योर हैं जो, इसको छोड़कर अगर आप एक मैच्योर वे में इसमें काम करते हैं तो आप अपने प्यार को, मोहब्बत को अच्छा बना सकते हैं, एक आगे जाकर इसको रिलेशन में भी लेकर जा सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आइकन के बटन को दबाइए। आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, क्योंकि एक नया चैनल है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते, थैंक यू सो मच।